रीवा जवा पनवान नरसिंह दास आश्रम कुटी में आमरण अनशन जारी। जी हां, आपको बता दें कि रीवा जिला थाना पनवार अंतर्गत ग्राम पंचायत पनवार में नरसिंह दास महाराज ब्रह्मचारी का आश्रम कुटी के नाम से प्रसिद्ध है। यहां पर प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज की टीम पहुंची। बता दें कि 11 नवंबर 2021 को बताया जाता है 8 नवंबर 2021 से आमरण अनशन में बैठे हैं। अपनी प्रमुख मांगे को लेकर कलेक्टर महोदय रीवा तहसीलदार जवा एवं राजस्व निरीक्षण डभौरा थाना पनवार को ज्ञापन के माध्यम से दिया गया और उसमें बताया भी गया है कि हमारी मांगे इस ज्ञापन के माध्यम से समय सीमा पर नहीं पूरी होंगी तब हम ग्रामीण लोग एवं आश्रम में कार्यकर्ता अनशन के लिए मजबूर हो जाएंगे। बता दें कि धीरे धीरे समय बीतता गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब उन्होंने अनशन पर बैठे और हरीश तिवारी आशुतोष पांडे ने क्या बताया आप सुन सकते हैं। उनका कहना है कि हम 4 दिन से अनशन पर बैठे हैं लेकिन आज तक कोई सक्षम अधिकारी यहां पर नहीं आए, ना ही मेडिकल परीक्षण कराया गया है, ना ही आश्वासन दिया गया है। जब तक सक्षम अधिकारी यहां नहीं आएंगे, उचित कार्यवाही नहीं करेंगे, तब तक यह अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी रहेगा। तब हमारे पनवार संवाददाता मनोज गुप्ता ने सक्षम अधिकारी SDM संजीव कुमार पांडे से वार्तालाप किया। बता दें कि दूरभाष के माध्यम से तब उन्होंने बताया यह अनशन हमारे जानकारी में नहीं है लेकिन हम तहसीलदार जवा एवं नायब तहसीलदार को मौके पर भेज रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी कब आते हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रजनीश तिवारी के साथ मनोज गुप्ता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज पनवार संवाददाता मनोज गुप्ता। आज मैं यहाँ मैं कुटी में उपस्थित हूँ जो कि यहाँ सूचना मिली थी कि कई दिनों से लगभग यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं कुछ बुजुर्ग लोग। हम यहाँ इनसे रूबरू करवा रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं क्या कैसा है क्या कैसा नहीं है। आपको ये लाइव टीवी चैनल दिखाई दे रहा है प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ से। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर इनकी प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली अभी तक, ना इनकी मेडिकल परीक्षण कराया गया, ना इनके कोई संज्ञान में मामला आया कोई अधिकारी के पास। हम ये रूबरू करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश तिवारी ही जी। मैं ग्राम पोस्ट दोंदर जिला रीवा थाना पनवार का रहने वाला हूं जी। मैं यहां 8 तारीख से नवंबर 2021 से 12 बजे दिन से आमरण अनशन पे बैठा हूं जी। हमारी मांग ये है कि अनंत दास पिता अगड़ानंद नाम का व्यक्ति जी का मतदाता सूची ग्राम पंचायत लोहगढ़ में जी वर्ष 2010-11 में लिखा गया जी। उसके बाद उसी व्यक्ति के द्वारा वर्ष 2014-15 में अड़गानंद पिता नरसिंह दास के नाम से मतदाता सूची में नाम लिखवाया गया जी। पनवार कुटी ये आश्रम है नरसिंह दास जी का और इनकी 100 एकड़ जमीन गौशाला गर्भे में है, लोहगढ़ गर्भे में। उस 100 एकड़ जमीन को पनवार नरसिंह दास की संपत्ति को हड़पने के लिए ये अनंत दास पिता अड़गानंद जो है नरसिंह दास को अपना पिता बनाने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज तैयार करवाया मतदाता सूची। मैं इसको 12 अक्टूबर 2021 को कलेक्टर रीवा और तहसीलदार जवा को ज्ञापन सौंपा था कि इसमें तत्काल जांच कर कार्रवाई करके अपराधी प्रकरण दर्ज कराए जाएं। किंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं कराया गया। उस ज्ञापन में उल्लेख किया था कि इतने दिन नहीं होगा तो मैं अनशन करूंगा, अमरण अनशन बैठूंगा और मैं 8 तारीख से अमरण अनशन में बैठ गया। और आपने सूचना दिया था कि इतने तारीख से हम अनशन बैठेंगे यदि कार्यवाही नहीं होगी तो। हमने ज्ञापन में लिखा था कि यदि कलेक्टर महोदय रीवा द्वारा इनके विरुद्ध FIR धोखाबाजों के धोखाधड़ी करने वालों के FIR नहीं होती तो मैं अमरण अनशन करूंगा। जब कार्यवाही नहीं हुई तो मैं उसको विधिवत थाना पनवार में सूचना दे के अमरण अनशन में बैठ गया जी। आज 4th दिन है, अभी तक जो है न तो हमारा मेडिकल परीक्षण कराया गया, हम 2 लोग बैठे हैं मैं और पांडे जी, न मेडिकल परीक्षण कराया गया, न कोई प्रशासनिक अमला यहाँ आया। और अभी तक BLO जो दोषी BLO है और दोषी अनंत दास है, दोषी BLO का क्या नाम है? दोषी BLO जो लोहगढ़ के हैं उनका नाम है राममण मिश्रा, जो जमीन हड़प रहे हैं। हाँ, जिन्होंने मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ा, डबल आईडी बनवाया, जोड़ा है, हाँ जोड़ा है, मतलब
पहले अगड़ानंद लिखा पिता का नाम, अब लिख दिए हैं नरसिंहदास। नरसिंहदास के तो कोई पत्नी बच्चे थे नहीं, दुनिया जानती है, पूरा क्षेत्र जानता है। तो मैं इस मेरी मांग है कि उसकी जांच कराई जाए, उनके विरुद्ध FIR दर्ज किया जाए, दो मतदाता सूची में भी, और उसमें BLO और जो नाम जुड़ाने वाला जोड़ने वाला दोनों दोषी हैं। साथ ही ये जो अनंत दास है इसकी जांच कराई जाए कि इसका जन्म कहाँ हुआ, इसके माता पिता कौन है, ये किस ग्राम का रहने वाले थे, इसका इतिहास खंगाला जाए। और पूर्व विधायक राजकुमार मल्लिया जी विधानसभा क्षेत्र सिरमौर के, इसी मंच में उन्होंने चैनल के ही सामने आरोप लगाया कि ये 302 का फरार मुजरिम है। कौन मुजरिम है फरार? अनंत दास विधायक जी ने, पूर्व विधायक राजकुमार मल्लिया ने ऐसा आरोप भी लगाया कि ये 302 का फरार मुलजिम है, इसलिए मेरा प्रशासन से मांग है कि इसकी FIR दर्ज कराया जाए और इसकी पिछले पूरे उसकी जांच कराई जाए कि अपराधी है और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। जो ये फर्जी नरसिंहदास का पुत्र बना है इसके विरुद्ध FIR दर्ज कराया जाए। बोले नरसिंहदास भगवान की जय। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 दिन हो गए अनशन बैठे पर, फिर भी यहाँ पर कोई सक्षम अधिकारी नहीं आए आज तक जांच करने के लिए, ना इनकी ख्याल देखने के लिए कोई अधिकारी सक्षम आए यहाँ पर। इनका आरोप है कि जो BLO हैं धोंदर में ग्राम पंचायत लोहगढ़ में, उन्होंने फर्जी नाम ऐड करके चढ़ा करके जो है तो फर्जी दस्तावेज सब बनवा करके जो आश्रम नरसिंहदास जी की जो ज़मीन थी वहाँ पर उनको हड़पने की कोशिश की जा रही है। उसी के मद्देनज़र देखते हुए ये लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, फिर भी प्रशासन की तरफ से ना इनकी मेडिकल परीक्षण कराया गया, ना कोई जांच, ना कोई अधिकारी सक्षम यहाँ पर आए हुए हैं। अभी यह देखने वाली बात होगी, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। प्रयाग से रजनीश तिवारी के साथ मनोज गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।